दोस्तों, आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम नावी ऐप के द्वारा लोन लेने के लिए बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से बताने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर बता दूं कि नावी ऐप RBI से अप्रूव्ड है, NBFC से मान्यता प्राप्त है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग किस तरह से नावी ऐप के द्वारा लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम नावी ऐप से लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके नावी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और ओपन कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा या OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए परमिशन के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, SMS परमिशन और कॉन्टैक्ट परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ से अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, ओके पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों, हम नावी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं। नावी ऐप में बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम नावी ऐप के माध्यम से लोन लेने के लिए बताने वाले हैं। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर कैश लोन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग नावी ऐप के माध्यम से 2 मिनट के अंदर लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको बेसिक डिटेल फिलअप करना होगा, इसके बाद आपको वर्क डिटेल फिलअप करना होगा, इसके बाद आपको लोन ऑफर शो किया जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल फिलअप करना होगा और अपना आइडेंटिटी वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए, इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर फुल नेम, एज पर पैन कार्ड, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा है आप इस बॉक्स में अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर फिलअप कर लेंगे। चलिए, हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। ध्यान रखिए आप यहाँ पर मंथली इनकम मिनिमम 30,000 रुपए फिलअप करेंगे। चलिए, हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका सारा डिटेल प्रोसेसिंग में चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बता दूं कि किसी किसी केस में यहाँ पर इनकम वेरीफाई भी होता है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करने के लिए कहा जाए या फिर इनकम वेरीफाई करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाए। यदि इनकम वेरीफाई करने का यहाँ पर कहा जाता है तो आपको अपना बैंक डिटेल देना होगा। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP फिलअप करेंगे तो आपका यहाँ पर इनकम वेरीफाई हो जाता है। लेकिन इनकम वेरीफाई सभी को नहीं कहा जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है जब तक कि आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और हमें यहाँ पर 80,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, यानी कि हम नावी ऐप के माध्यम से 80,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 80,000 रुपए लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो हमारा EMI होगा 8,200 रुपए, साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट होगा 2.71% पर मंथ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फी 0% लिखा गया है, साथ ही यहाँ पर यदि हम टाइम से पहले यह लोन अमाउंट पेमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर 0 रुपए हमें चार्ज देना होगा। इसके अलावा आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर अपनी मर्जी से EMI प्लान भी चूज कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आप वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपको बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहां पर वह बैंक का नाम फिलअप कर लेंगे। यहां पर IFSC कोड फिलअप कर लेंगे। इसके अलावा आप यहां पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए शो कर दिया बैंक वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से हर एक महीने ऑटोमेटिक कटता रहेगा, आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो आप यहाँ पर दो तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका डेबिट कार्ड, यदि आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद आप सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इसके बाद आप प्रोसेसिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपके इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में नेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड फिलअप कर लेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस तरीका से शो करेगा ट्रांजेक्शन स्टेटस, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आगे ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल, हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पर आपको केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेल्फी फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है वेरीफाई आधार नंबर, तो हमारा आधार नंबर भी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है वीडियो वेरिफिकेशन। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पैन वेरिफिकेशन के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ पर दो तरीका से पैन वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से, इसके बाद यहाँ पर है मैनुअली वेरीफाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से वेरीफाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर डिजी लॉकर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका आधार नंबर है आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा, तो आप इस बॉक्स में ओटीपी को फिलअप करेंगे, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब डिजी लॉकर का यहाँ पर देखिए लॉगिन पिन मांगा जा रहा है, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आप डन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर के माध्यम से यहाँ पर डिटेल ले लिया गया है, इसके बाद आप अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा डिजी लॉकर के माध्यम से पैन वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा, तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। अब यहाँ पर देखिए नावी ऐप के कर्मचारी आपसे जो भी सवाल करेंगे आपको यहाँ पर उसका आंसर देना है, साथ ही आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना है। जैसे ही आपका यहाँ पर वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा वीडियो केवाईसी कंप्लीटेड। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईएमआई डेट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी डेट में आप ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह ईएमआई डेट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कि आप 1 तारीख को हर एक महीने ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 1 तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जो भी डेट में आप ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह ईएमआई डेट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम हर एक महीने 20 तारीख को ईएमआई पेमेंट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 20 तारीख सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल शो करता है, जैसे कि हम 80,000 रुपए लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर ईएमआई, साथ ही यहाँ पर ईएमआई मंथ शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर इंटरेस्ट रेट शो कर रहा है। चलिए इसके बाद आप गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। देखिए यहाँ पर हमारे बैंक अकाउंट में तुरंत ही 80,000 रुपए लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की तरफ से मैसेज आ गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा गया है सक्सेसफुल, और यहाँ पर देखिए नावी ऐप में लिखा गया है 80,000 रुपए ट्रांसफर सक्सेसफुल, यानी कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बाद आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको लोन डिटेल शो करता है, जैसे कि हमने 80,000 रुपए लोन लिया है और हमारा यहाँ पर जो ईएमआई है वह 8,200 रुपए है, तो यहाँ पर शो कर रहा है, साथ ही यहाँ पर ईएमआई डेट भी शो कर रहा है। यदि आप टाइम से पहले ईएमआई पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर पे ईएमआई पर क्लिक करके ईएमआई अमाउंट को पे भी कर सकते हैं। आप पे ईएमआई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ईएमआई पेमेंट करने के लिए आ गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आप किसी भी माध्यम से ईएमआई पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर ईएमआई अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप टाइम से पहले लोन अमाउंट पे करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फोर क्लोज लोन पर क्लिक करके लोन अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं और लोन को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर लोन डिटेल पर क्लिक करके लोन का डिटेल भी देख सकते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पर फोर क्लोज लोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए टोटल लोन 80,000 रुपए हमने लिया है तो यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल शो करेगा। जैसा कि यहाँ पर शुरू में ही बताया गया था कि आप टाइम से पहले लोन को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी लोन क्लोजर चार्ज नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 00 लिखा हुआ है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करके टोटल लोन अमाउंट को पेमेंट कर देते हैं तो आपका यहाँ पर लोन क्लोज कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग नावी ऐप के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके सिविल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी बैंक से या फिर किसी भी ऐप के माध्यम से लोन लिया है तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कॉमेंट करना मत भूलिए।